पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की ये सभा बहुत बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सभा है। आज पंजाब के पूरे एससी भाईचारे के साथ मैं दिल से दो बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है आजादी के बाद से आज तक 75 साल में सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने एससी भाईचारे का केवल इस्तेमाल किया और जानबूझ के एससी भाईचारे के लोगों को पिछड़ा रखा गया, गरीब रखा गया। मैं बताता हूं कैसे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी, बाबा साहब अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, पूरे समाज के साथ उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने 64 मास्टर्स की डिग्री ली, एमए की डिग्री 64 विषयों में। आप में से कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं, एक एमए की डिग्री लेने में नानी याद आ जाती है कि नहीं है। उन्होंने 64 सब्जेक्ट्स में, 64 विषयों में एमए की डिग्री ली। उन्होंने 2 डॉक्टर की डिग्री ली, पूरे देश में अकेले पहले डॉक्टरेट थे, एक उन्होंने इंग्लैंड से डॉक्टरेट की डिग्री ली, एक अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री ली, और फिर उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ही बात कही थी, अगर अपने समाज को हमें पिछड़ेपन से हटाना है, अगर अपने समाज की गरीबी दूर करनी है, अगर अपने समाज को बराबरी का हक दिलाना है, तो एक ही चीज कर सकती है, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो सारे समाज के साथ बराबरी का हक लेंगे, गरीबी दूर होगी और सारे सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे। 75 साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने मिलके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, इन लोगों ने जानबूझ के बेड़ा गर्क किया इन्होंने, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, एससी भाईचारे के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, कुचले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब रखा ताकि ये वर्ग कभी भी आगे ना बढ़ सके, ये वर्ग कभी भी अपना बराबरी का हक लेने के लिए खड़ा ना हो सके, इन्होंने जानबूझ के पिछड़ा रखा। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, जो भी भगवंत मान कह रहे थे, जैसे पंजाब में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक भी टीचर नहीं है, 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक टीचर है, 7ों क्लासों के लिए एक टीचर है, कैसे पढ़ाएगा वो। स्कूलों का इतना बुरा हाल है, शिक्षा का इतना बुरा हाल है पंजाब के अंदर, दिल्ली में भी वही हाल था, लेकिन 7 साल के अंदर वो बाबा साहब अंबेडकर का सपना हम लोग साथ लेके चले, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं। इस साल हमारे बोर्ड के पेपरों में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% 99.7% नतीजे आए हैं, प्राइवेट स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छे। आज इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया। आज दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, आज दिल्ली के मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, एडवोकेट बन रहा है, गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, एससी भाईचारे के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर
और बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा कर रहे हैं, वही अपने को पंजाब के अंदर करना है। दिल्ली के अंदर हमने एक स्कीम चालू की है, हम सबको बताया कि अगर इंजीनियरिंग करनी हो, डॉक्टरी करनी हो, बैंकिंग के पेपर देने हो, रेलवे के पेपर देने हो, आईएएस के पेपर देने हो, तो कोचिंग करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती कोचिंग? कोचिंग बहुत महंगी है, एक एक कोचिंग करने के लिए 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लगते हैं। डॉक्टरी के एग्जाम में बैठो, कोचिंग करने के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं। आईआईटी के इंजीनियरिंग के पेपर में दो, आईएएस के पेपर में बैठो, 5 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग के। गरीब आदमी के पास तो पैसे नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने एक स्कीम बनाई है, जय भीम योजना। हमने ये कहा है कि एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा अगर कोचिंग करना चाहता है, आप एडमिशन ले लो, सारा सरकार खर्चा सारा सरकार देती है। इस स्कीम के तहत मैं आपको बता नहीं सकता कितने बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, कितने बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, कितने बच्चे वकील बन गए, कितने बच्चों का रेलवे में आईएएस में एडमिशन हो गया। फिर हमने एक स्कीम चलाई है, बाबा साहब अंबेडकर जब इंग्लैंड गए अपनी डॉक्टरेट करने के लिए, उनको पढ़ाई बीच में छोड़ के आनी पड़ी, उनके पास पैसा खत्म हो गया, जितना पैसा लेके गए थे वो खत्म हो गया। फिर वापस आए, हम भारत आके थोड़ा काम किया, काम करके पैसा बचाया, फिर दोबारा गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। हमने कहा आज की डेट में हमारे एससी भाईचारे के बच्चे को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। हमने ये स्कीम बनाई है, एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विदेश जाना चाहता है, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, पंजाब में ऐसे होना चाहिए? अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला, मैंने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार आई तो हम स्कूल अच्छे करेंगे। परगट सिंह जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, हमारे देश के बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी थे, कैप्टन थे। चन्नी साहब की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उन दोनों ने खड़े होके कहा कि पंजाब के स्कूलों को सुधारने की जरूरत नहीं है, पंजाब के स्कूल देश में नंबर वन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब के स्कूल देश में नंबर वन है? इसका मतलब उन लोगों को आपके स्कूल सुधारने की कोई मंशा नहीं है, वो स्कूल आपके ऐसे ही रखेंगे। अगर आपने कांग्रेस को वोट दे दिया तो ये स्कूल ऐसे के ऐसे रहेंगे, स्कूल नहीं सुधरने वाले। गरीबों के और एससी भाईचारे के बच्चे ऐसे ही गंदी शिक्षा पाते रहेंगे, इनकी मंशा नहीं है, इनके इरादे खराब हैं। जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमारे बच्चों को पिछड़ा रखा, जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमें अनपढ़ रखा, ऐसे ही आगे आने वाले 5 साल के अंदर भी इनकी मंशा यही है, चन्नी साहब की और प्रगट सिंह की, कि एससी भाईचारे के बच्चों को ऐसे ही गरीब और पिछड़ा रखेंगे, अनपढ़ रखेंगे। ये अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो बदल दो सरकार, अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो पलट दो सरकार और ले आओ बदलाव, आम आदमी पार्टी को बोल दो। फिर से धोखा हो रहा है एससी भाईचारे के साथ पंजाब में, फिर से धोखा हो रहा है। पिछली बार कैप्टन साहब ने एक कार्ड जारी कर दिया, बोला मेरी सरकार बन जाए तो ये कार्ड ले आना, मैं नौकरी दूंगा। 5 साल हो गए उन्होंने नौकरी नहीं दी, आज भी लोग कार्ड लेके घूम रहे हैं। और इन्होंने चन्नी साहब ने आने के बाद 5-5 मरले के प्लॉट के फॉर्म भरवा दिए, बता रहे हैं लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लाखों लोगों ने, एक भी आदमी को प्लॉट नहीं मिला अभी तक, पूरे पंजाब में एक भी आदमी को प्लॉट नहीं मिला। क्यों? ये तो चुनाव के पहले इनका हाल है। अरे थोड़े 10-12 को ऐसे ही दे देते दिखाने के लिए। इनकी मंशा खराब है, इनकी नीयत खराब है, इनकी इनको प्लॉट नहीं देने। पहले कैप्टन साहब झूठ बोल के गए, उन्होंने झूठे रोजगार के कार्ड दिए, अब चन्नी साहब झूठे 5 मरले के फॉर्म दे रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, या तो चुनाव के पहले 5 मरले के प्लॉट तुम दे दो, नहीं तो चुनाव के बाद हमारी सरकार ये सारे प्लॉट दे।
अभी जैसे भगवंत मान कह रहे थे, चारों तरफ होर्डिंग लगी पड़ी है, 36,000 पक्के कर दिए, 36,000 पक्के कर दिए। मेरे पास टीचर आए पंजाब के, बोले जी पक्का करवा दो। मैंने कहा चन्नी साहब तो कह रहे हैं पक्के कर दिए, कहते थे टीचर नहीं करे। फिर सफाई कर्मचारी आए, बोले जी पक्का करवा दो। मैंने कहा चन्नी साहब तो कह रहे हैं पक्के कर दिए, कहते जी सफाई कर्मचारी। तो क्या पक्का करा? एनएचएम वाले अभी आए बाहर, गेस्ट टीचर आए अभी बाहर खड़े हैं बेचारे, यही है शायद हॉल में। एनएचएम वाले आए, बोले जी पक्का करा दो। मैंने कहा चन्नी साहब कह रहे हैं 36,000 पक्के कर दिए, कहते जी एनएचएम वाले। किसी को पक्का नहीं करा, झूठ बोल रहे हैं चन्नी साहब, झूठ बोल रहे हैं चन्नी साहब। इनके झूठ में मत आ जाना, इस बार फिर से झूठ में मत आ जाना। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो एससी भाईचारे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। इस बार कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे कई सारे हमारे कोरोना पे काम करने वाले कर्मचारियों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। हमारे दो सफाई कर्मचारी, एससी भाईचारे के दो सफाई कर्मचारी, अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, अस्पताल में ड्यूटी करते हुए उनकी कोरोना हो गया, उनको उनकी मौत हो गई। दोनों सफाई कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपए में अपने हाथ से दे के आया उनके घर जाके। मेरे को ये बता दो, पूरे देश में, पूरे देश में एक भी सरकार ऐसी हो जिसने अपने एससी भाईचारे के लोगों को कोरोना की मौत की वजह से 1-1 करोड़ रुपए दिया हो। किसी सरकार ने नहीं दिया। आज मैं यहां चैलेंज करता हूं, और पूरे पंजाब, ये टीवी चैनल वाले दिखा रहे होंगे पूरे पंजाब में, मैं चैलेंज करता हूं दिल्ली में किसी से भी एससी भाईचारे के किसी भी आदमी से बात कर लेना, अगर वो ये ना कहे कि केजरीवाल हमारा बड़ा भाई है, हमारे घर का परिवार का बेटा है, तो मेरे को वोट मत देना पंजाब के अंदर। आज पूरे दिल्ली के अंदर 1-1 एससी भाईचारे का 1-1 परिवार मेरे को अपना बेटा मानता है, 1-1 परिवार मेरे को बड़ा भाई मानता है, उनके साथ खड़ा हूं मैं। तो आज एससी भाईचारे के लिए 5 गारंटी मैं लेके आया हूं। पहली चीज, पंजाब के एससी भाईचारे के 1-1 बच्चे को अच्छी से अच्छी, शानदार और फर्स्ट क्लास फ्री में शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी। दूसरी गारंटी, और ये सब हम दिल्ली में करके आए हैं उसके बाद कह रहा हूं मैं, दूसरी गारंटी, अगर एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा कोचिंग लेना चाहेगा, जो जैसे दिल्ली में करा, चाहे इंजीनियरिंग की कोचिंग, चाहे मेडिकल की कोचिंग, चाहे रेलवे की कोचिंग, चाहे आईएएस की कोचिंग, किसी भी पेपर के लिए कोचिंग लेना चाहेगा, उसकी सारी फीस पंजाब सरकार देगी। तीसरी गारंटी, अगर एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विदेश जाना चाहेगा, उसका सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी। चौथी गारंटी, आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे बुखार हो चाहे कैंसर हो, चाहे बड़े से बड़े ऑपरेशन करना हो, सारा खर्चा आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी होगी, अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी। और पांचवी गारंटी, हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000-1,000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में पंजाब सरकार डलाएगी। बाबा साहब का, मेरे को बाबा साहब का सपना था, मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, उनको कई बार मैंने पढ़ा, उनके विचारों को मैंने पढ़ा, उनकी जिंदगी को मैंने पढ़ा है, और जितना संघर्ष उन्होंने किया और अपनी जिंदगी में उन्होंने जितना पाया, अद्भुत है, मेरे हिसाब से तो अद्भुत है, कोई इंसान ये सब नहीं कर सकता। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि इस देश के 1-1 बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, मुझे बेहद दुख है कि 75 साल हो गए आजादी के, हम ये सपना पूरा नहीं कर पाए। मैंने ये कसम खाई है बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। आज
चन्नी साहब एससी भाईचारे से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं चारों तरफ जा जाके कि सारे एससी भाईचारे के लोग मेरे को वोट दो। मैं सबको कहना चाहता हूं, मैं एससी भाईचारे से नहीं आता, लेकिन मैं आपके परिवार से आता हूं। कल को अगर आपके घर में कोई बीमार होगा तो आपका बेटा कर बन के मैं आपका इलाज कराऊंगा। कल को अगर आपका बेटा आईएएस अफसर बनना चाहेगा तो मैं और आप मिलके उसको आईएएस अफसर बनाएंगे। कल को अगर आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा की जरूरत होगी तो आपका ये बड़ा भाई आपके काम आएगा, चन्नी साहब काम नहीं आएंगे। वो तो केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी एससी भाईचारे से, तुम भी एससी भाईचारे से मेरे को वोट दो। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, मैं पंजाब का भविष्य बनाना चाहता हूं, मैं आपके परिवार का भविष्य बनाना चाहता हूं, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दो। दोस्तों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने इतने मौके कांग्रेस को दिए, इतने मौके अकाली दल को दिए, एक मौका सब लोग आम आदमी पार्टी को दो। मेरा आपको विश्वास है कि आप सारी पार्टियां भूल जाओगे। यहाँ पे एनएचएम वाले भी आए हुए हैं, पीछे बैठे हैं, उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आप लोगों को पक्का भी करेगी और आप लोगों की तनख्वाह भी ठीक करेगी। यहाँ पे गेस्ट टीचर्स आए हुए हैं, उन लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी तनख्वाह भी ठीक करेंगे, आपको पक्का भी करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।